आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉग टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे कि आप अपने ब्लॉग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन या मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से सेट करेंगे। आप देख सकते हैं ब्लॉगर अकाउंट मैंने लॉगिन किया हुआ है और टाइटल, डिस्क्रिप्शन या मेटा डिस्क्रिप्शन को एक्सेस करने के लिए आप लोगों ने सेटिंग के टैब के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी सेटिंग आ जाएगी। देखें बेसिक, और बेसिक के अंदर यहां पे आप देख सकते हैं टाइटल। अगर आप लोग टाइटल के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी और यहां पर आप लोग अपने ब्लॉग का टाइटल लिखेंगे। देखिए जिस वक्त आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो वहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि आप अपने ब्लॉग का टाइटल सेट करें, तो जो टाइटल आप उस वक्त एंटर करते हैं वो यहां पर ऑटोमेटिक शो हो जाता है। याद रखिए ब्लॉग का टाइटल जो भी आपकी वेबसाइट का URL है उसी के रेलेवेंट होना चाहिए। अब मेरी जो वेबसाइट है उसका URL है jobadvertisement.website, तो मैंने ब्लॉग का टाइटल रखा है जॉब एडवर्टाइजमेंट, तो आपने सेम एज इट इज ही रखना है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहां पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, मैं यहां पर कैंसल के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद दूसरी चीज है डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करें तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि 500 वर्ड का आप यहां पर डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं। यहां पर आपका ब्लॉग जिस भी टॉपिक के ऊपर है आप लोग एक्सप्लेन करेंगे कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। याद रखिए डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज का हो, चाहे वो वीडियो है, ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे गूगल को पता चलता है, जितने भी सर्च इंजन है उनको पता चलता है कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर क्या ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने यहां पे MS वर्ल्ड की एक फाइल बनाई हुई है और उसके अंदर मैंने ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें सेट की हुई हैं। ये देखिए मैंने ये डिस्क्रिप्शन टाइप किया हुआ है, जॉब एडवर्टाइजमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एडवर्टाइजमेंट विच इज पब्लिश्ड इन वेरियस न्यूज पेपर। यह सारा डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ, तो मैं यहां से सिंपली इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद यहां पर मैं इसको पेस्ट करके सेव का बटन प्रेस करूंगा। ये देखिए टोटल 393 वर्ड है। अगर मैं इसको आगे 500 तक लेके जाऊं तो लेके जा सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही रखना चाहता हूं, सेव का बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए जो ही मैं सेव का बटन प्रेस करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन एड हो गया है। उसके बाद आप लोगों ने मेटा डिस्क्रिप्शन एड करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो भी आप देंगे, जब आपका ब्लॉग गूगल के अंदर कोई सर्च करेगा तो लिंक के नीचे आपको वो मेटा डिस्क्रिप्शन नजर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सर्च करता हूं PK24 jobs, अपनी वेबसाइट सर्च करता हूं। ये देखिए जो ही गूगल के अंदर मेरी वेबसाइट सर्च हुई है तो ये जो आपको नीचे दो लाइनें लिखी हुई नजर आ रही है, PK24 jobs प्रोवाइड ऑल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एड फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक न्यूज पेपर, तो ये जो होता है ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये आप लोग किस तरीके से सेट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है। यहां पे आप देख सकते हैं पोस्ट है, कमेंट्स है, ईमेल है, फॉर्मेटिंग है, इससे आप लोगों ने नीचे आ जाना है। यहां पे आपको एक सेटिंग मिलेगी मेटा टैग्स, इसके अंदर यहां पे आप देख सकते हैं ये फिलहाल ऑफ इस बटन के ऊपर क्लिक करके आपने इसको ऑन करना है। ये देखें ये बटन ऑन हो चुका है और उसके बाद आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है सर्च डिस्क्रिप्शन। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये छोटी सी विंडो आ जाएगी और यहां पर मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन भी टाइप करके रखा है। मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर कंट्रोल वी करता हूं। ये देखें मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप 150 वर्ड तक टाइप कर सकते हैं, टोटल 130 वर्ड है। मैं इतना ही डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूं, उसके बाद सेव का बटन प्रेस करना है। जो ही सेव का बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन भी सेट हो गया है और टॉप के ऊपर टाइटल पहले से सेट है और डिस्क्रिप्शन भी सेट हो गया है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोगों ने अपने ब्लॉग के अंदर जरूर सेट करना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद यहां पर जितनी भी सेटिंग फर्दर है वो हम वक्त के साथ साथ जब आगे कोर्स को बढ़ाएंगे तो जब जब हमें जरूरत पड़ेगी इन ऑप्शन की, इनको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपका ब्लॉगर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग इंटरनेट से रियल अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉगर का कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप कोर्स वॉच करें
और जानिए कि आप लोग ब्लॉगर से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, ए टू जेड आप लोगों को गाइड किया गया है। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।